गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सुबह हो रहे हैं 7, तो अभी मैं जग गया हूँ। तो यहाँ पे सुबह जगना यार बहुत मुश्किल होता है। रात को 1 बजे सोया था और अभी सुबह 7 बजे जग गया। अभी मैं फ्रेश व्रेश हो गया हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा वार्म अप करूँगा, वर्कआउट करूँगा, फिर इसके बाद ब्रेकफास्ट करना है। तो अभी यहाँ का यही है सुबह का तो बस ये है कि थोड़ा जल्दी सिप पे, तो एक चीज, कितने भी सोलो आपके नींद पूरे नहीं होंगे। और ये डेली का रूटीन होता है और आप स्किप भी नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि आप बोलो, जैसे बाहर क्या होते हैं कि आप बोल सकते हो कि चलो आज छुट्टी ले लेता हूँ, आज नहीं जाता हूँ, या आज तबीयत ठीक नहीं है। ये सब चीज़ सिप पे नहीं होता है। आपको तबीयत सही हो या नहीं हो तो आपको जाना ही पड़ेगा। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो दैट इज अनदर मैटर। बट लेकिन छोटा मोटा ये है कि सर दर्द कर रहा है, बाहर वाले लोग क्या करते हैं, मन नहीं है जाने का, कुछ प्रॉब्लम हो गया या ऐसे ही कुछ भी है, तो वो लोग छुट्टी ले लेते हैं। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पे है कि आपको जाना ही पड़ेगा। ओके, तो अभी मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद, फिर 8 बजे ऊपर जाना है ब्रिज पे। अभी चीफ ऑफिसर वॉच पे होंगे, सुबह 4 से 8 उनका रहता है ड्यूटी, इसके बाद 8 से 12 थर्ड ऑफिसर रहता है। ओके, आज का ब्रेकफास्ट मेनू है ढोकला। सो ये ढोकला जूस और भी अंडा ऑमलेट अभी आ रहा है, ऑमलेट भी खाऊंगा। ये मेनू, ये अभी सिप चल रही है। अभी ये जो आप देख रहे हो छोटा सा, वो बोट है, फिशिंग बोट है, मछली वाला, मच्छी मछुआरा बोट है। ये सब कोस्टल में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहते हैं, क्रिएट करते हैं, इनसे हमें क्लियर रखना होता है। अब ये तो छोटा है, मेरा इतना बड़ा जहाज है तो मेरे को ही साइड करके रखना पड़ता है। यही है, अभी इधर कुछ काम चल रहा है, आई थिंक वेल्डर इधर कुछ काम कर रहे हैं, इधर कुछ रेलिंग बना रहे हैं। अभी तो मैं ब्रिज पास से आ गया, लंच भी कर लिया है, तो नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द ड्रेस एंड गोइंग फॉर द ओवरटाइम। मैं ओवरटाइम के लिए जा रहा हूँ, अभी लिफ्ट के अंदर ऊपर जा रहा हूँ। आज डिले हो गया है क्योंकि थोड़ा काम सब ज़्यादा रहता है, एक्चुअली मंथ इन की वजह से ना काम थोड़ा ज़्यादा है, पेपर वर्क है। आज तो पेपर वर्क है और जो कल वाला हॉस्टेज से कुछ बचे हुए थे तो वो भी आज कंप्लीट कर दूंगा, तो आज सारा हो जाएगा। ओके, सो मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट। तो मैंने अपना सारा बूट सूट सारा मैंने पहन लिया जी डे, ये क्योंकि मेरे को ऊपर जाना है इसलिए मैं लिफ्ट से जा रहा हूँ। सो अलग अलग डेक होते हैं अभी, क्योंकि मैं अभी इस ए पे हूँ। अभी मेरे को बी सी डी एफ जी सबसे टॉप पे जाना है और ब्रिज पे जाना है। ब्रिज के बाद मैं ब्रिज विंग पे जाऊँगा, वहाँ पे कुछ टेस्ट, कुछ इंस्पेक्शन करना है, साइन करना है, वो करने बाद मैं फिर फायर टेस्ट करूँगा। ये हमारा ऐसा लिफ्ट है, लिफ्ट काफ़ी ठीक ठाक होता है, एक लिफ्ट में 4-5 लोग का कैपेसिटी होता है। तो इसके भी है, आप देख सकते हो 6% का है, 500 kg का है, सही रहता है, ठीक है। तो अभी तो फायरल्स टेस्ट हो गया है, तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ सिप्स ऑफिस, क्योंकि थोड़ा पेपर वर्क भी करना है। तो यही होता है हमारा ओवर टाइम में। अभी जो मैं सुबह ब्रिज वॉच करके आया, तो 2 घंटे का ओवर टाइम करना होता है, उसमें अभी मैंने 1 घंटे का काम था और फिर अभी मैं कुछ पेपर वर्क करूँगा। पेपर वर्क करने बाद 3-3.5 बजे तक मैं नॉकअप कर लूँगा। अभी मैं सिप्स ऑफिस आपको दिखाता हूँ, सिप्स ऑफिस हमारा कैसा होता है। सो अभी मैं सिप्स ऑफिस आ गया हूँ, ये हमारा सिप्स ऑफिस है। तो अभी जनरली हम लोग इस पर बैठ के काम करते हैं, ये हमारा डेस्कटॉप है, तो सबका अपना अपना है। ये जैसे ये हम लोग के लिए
उधर वो जो वो दिख रहा है वो चीफ ऑफिसर का है, उसमें लुब्रिकेटर भी है, एक उधर भी है, लास्ट में आपको दिख रहा होगा एक ये वाला, ये भी है। तीन चार लैपटॉप लगे हुए हैं, ये लैपटॉप ही है, लैपटॉप से कनेक्टेड है, लैपटॉप इससे कनेक्टेड है, तो वही है। अभी कुछ फाइल वर्क करने हैं हमें, मंथ इंडेक्स का कुछ पेपर वर्क मेरे को सबमिट करना है, इसके बाद पेपर वर्क करने के बाद फिर मैं 3:30 बजे तक, अभी यहाँ अभी 3 बजने में आधे घंटे हैं, तो अभी 3 बजे में फिर यही हमारा रूटीन है, सिप पे ऐसा ही है। ये हमारा सिप का सिप्स ऑफिस है, इसे हम लोग सिप्स ऑफिस के तरह यूज करते हैं। सिप्स ऑफिस मतलब कोई भी जो ऑफिशियल वर्क होता है इसके अंदर ही किया जाता है। यहाँ से सारा कंट्रोल मॉनिटर भी यहाँ पे ही है, और ऑफिस वर्क पेपर वर्क जो भी होता है डॉक्यूमेंट वर्क सब हम लोग यहीं से करते हैं, तो ये इसको बेसिकली सिप्स ऑफिस कहा जाता है। और एक कॉन्फ्रेंस रूम भी है वो साइड में, तो उसके अंदर बेसिकली मीटिंग किया जाता है, या कोई बाहर से अथॉरिटी जाते हैं तो हम लोग उसमें बैठ के फिर हम लोग पेपर वर्क करते हैं। ये हम लोग का जो हम लोग के ऑफिसर्स जो सिप्स के ऑफिसर हैं, बेसिकली जो डेक ऑफिसर है, नेविगेटिंग ऑफिसर है, उनके लिए ये है, और इंजन वाले के लिए ECR होता है। जो इंजीनियर्स होते हैं वो लोग यहाँ पे जनरली वो लोग नहीं काम, वो लोग के लिए नहीं होता है, वो लोग भी कर सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं वो लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये डेडिकेटेड होता है जो नेविगेटिंग ऑफिसर है उनके लिए। जो इंजन वाले वो लोग ECR इंजन कंट्रोल रूम में, उन लोगों का वहीं पे होता है, वो लोग वहाँ पे ही कर लेते हैं। तो ये हमारा सिप्स ऑफिस है, यहाँ पे जो डेक ऑफिसर होते हैं वो लोग यहाँ पे बैठ के अपना पेपर वर्क करते हैं, जो भी पेपर वर्क करना होता है। ओके, सो दोपहर के बज रहे हैं 3:15 हो गया है, तो अब मैं आ गया हूँ पेपर वर्क करके, सारा आज का काम तो जहाज पे कभी ख़त्म नहीं होता है, तो मैं अभी आ गया हूँ। मैं फ्रेश होऊंगा, बात लूँगा, फिर इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, फिर शाम में 6 बजे सेम। तो आज का बेसिकली यही था आज का रूटीन ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, अंटिल अनलेस की कोई चेंज या कोई इम्पोर्टेंट काम आ जाए, कोई इमरजेंसी जा जाए, या पोर्ट पे जा रहे हैं हम लोग, या पोर्ट से निकल रहे हैं, या पोर्ट के अंदर तो अलग रूटीन होता है। तो अभी तो मैं पोर्ट पे नहीं हूँ, अभी तो जहाज चल रही है। तो ये था हमारा दिन का रूटीन। मैं रूम में आ गया आज का, थोड़ा रूम भी क्लीनिंग करना है। वैसे तो रूम का जो क्लीनिंग होते हैं GS जो होते हैं, हर एक ऑफिसर्स के केबिन का क्लीनिंग GS करता है, GS जनरल स्टूवर्ड होता है, तो लेकिन जो अपना पर्सनल बिलोंगिंग्स होता है वो खुद ही करना होता है, क्योंकि यू कैन नॉट डिपेंड ऑन फुल्ली ऑन द अदर्स। तो वो आपका बेडशीट, जैसे अभी आप देख सकते हो कि ऐसे बेडशीट क्लीन करके, वो ऑलमोस्ट डेली एक दिन या एक दिन छोड़ करके एक दिन आकर के बेडशीट क्लीन करता है, बेडशीट चेंज कर देगा, पिल्लो कवर चेंज कर देगा, ब्लैंकेट चेंज कर देगा, टॉवल्स, तो ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ है नॉर्मल सेम लाइक। और क्या अगर कुछ कमी रहेंगे, वाटर या टॉयलेटरीज कुछ चाहिए तो वो सब ले सकते हो आप, चेंज कर देगा। नीचे फ्लोर क्लीनिंग कर देगा, मॉपिंग कर देगा, झाड़ू लगा देगा, ये सब तक कूड़ा, अगर कोई अगर आपके अगर इसमें डस्टबिन में कुछ है कचरा, वो क्लीन कर देता है। तो ये होता है, ये ऑफिसर्स के लिए बेसिकली सिर्फ ऑफिसर्स का होता है, बाकी जो क्रू लोग होते हैं वो लोग तो खुद ही करते हैं सेल्फ, ये हम लोग का है। चलिए अभी मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। अभी मैं आ गया, फ्रेशअप हो गया, बेड पे आ गया रेस्ट करने। अभी जो आप सामने में देख रहे हो तो ये टीवी नहीं है, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होगा ये देखने के बाद, ये टीवी है, ये बेसिकली टीवी नहीं है, ये प्रोजेक्टर है, तो ये इसका रिमोट है। ये हम लोग जहाज पे टाइम पास करने के लिए, मूवी देखने के लिए, काफ़ी लोग प्रोजेक्टर का यूज करते हैं, या केबिन में, मोस्टली केबिन में टीवी रहते हैं, किसी किसी जहाज पे नहीं भी रहते हैं, या मोस्टली टॉप फोर को टीवी मिलता है। टॉप फोर मतलब जो कैप्टन है, चीफ ऑफिसर है, चीफ इंजीनियर है, सेकंड इंजीनियर है, जो हम लोग थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, ये सब केबिन में टीवी रहता नहीं, तो हम लोग या तो फ़ोन में या लैपटॉप में टाइम पास करने के लिए, मूवी देखने के लिए यूज करते हैं। और आप देख सकते हो ये भी सही है, अभी तो मैंने लाइट ऑन करके रखा है तब भी इसका क्वालिटी सही रहता है, जब मैं लाइट
ऑफ कर दूंगा तो इसका क्वालिटी काफ़ी, ये होम थिएटर बन जाता है, काफ़ी बड़े स्क्रीन पे है ये, तो टीवी की कमी नहीं होती। और हम लोग इस पर, तो आप देख सकते हो मैंने भी लाइट ऑफ कर दिया, तो बिल्कुल ये होम थिएटर जैसा फीलिंग आती है। तो हम लोग जहाज़ पे, ये मिनी प्रोजेक्टर है, ये आप देख सकते हो मिनी प्रोजेक्टर, चाइनीज है, चाइनीज प्रोजेक्टर है। तो एंड्रॉयड है, ये एंड्रॉयड है, तो बिल्कुल एंड्रॉयड की तरह काम करता है। अभी इसमें नॉर्मल हम लोग कोई भी टाइम पास करने के लिए, मूवी अपना कोई भी मूवी लगा के देखो या सॉन्ग सुनो, जो भी करना है करो अपने फ्री टाइम में। हम लोग, मैं अपना जनरली टाइम पास कर लेता हूँ, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। ओके, सो विल मीट आफ्टर सम टाइम। ओके एवरीवन, तो अभी 8:10 लेट है, तो अभी मैं वॉच पे जा रहा हूँ, डिनर कर लिया और आज थोड़ा टेबल टेनिस भी खेला, शाम में थोड़ा टेबल टेनिस भी है हमारे, मैं शायद किसी वीडियो में दिखाया हूँ, तो हम लोग टेबल टेनिस भी खेलते हैं, मैं सेकंड ऑफिसर या कोई और, वो तो पहले चीफ इंजीनियर के साथ तो ज़्यादा खेलता था, पहले भी चीफ इंजीनियर चले गए, चीफ इंजीनियर के साथ फिर इलेक्ट्रिकल ऑफिसर था, वो भी ठीक ठाक खेलता था, वो भी अभी चले गए, तो अभी अभी सिर्फ सेकेंड ऑफिसर बचे हैं जिनके साथ मैं खेलता हूँ टेबल टेनिस। बाद बाकी शाम के टाइम में ऐसा ही होता है हमारा रूटीन, मैं किसी दिन दिखाऊंगा अपना वीडियो टेबल टेनिस का भी। और शाम में बेसिकली कुछ वैसा काम होता नहीं है, पेपर वर्क, तो अभी मैं वॉच पे जा रहा हूँ, टाइम हो गया है, अब मैं 8 से 12 वॉच करूँगा, 12 बजे बाद फिर मैं ऑफ करूँगा। ओके, सो अभी मैं वॉच ख़त्म करके जा रहा हूँ ब्रिज से, ये नेविगेशन ब्रिज से नीचे मैं जा रहा हूँ अपने केबिन। तो 4 घंटे का ड्यूटी था हमारा, अभी ओवर हो गया, अभी सेकंड अफसर को मैंने हैंड ओवर करके अब जा रहा हूँ मैं नीचे, अभी रेस्ट करने, अभी 8 घंटे का रेस्ट है, फिर इसके बाद सुबह 7 बजे जगना है ब्रेकफास्ट के लिए। अभी टाइम भी हो गया 12:15 हो गया, 12:15 हो रहे हैं, सो ऐसा ही रहता है, 4 घंटे का ड्यूटी हो फिर इसके बाद। ओके, अब अपने केबिन आ गया मैं, रूम आ गया, सो वॉच ख़त्म करके, अभी ड्यूटी ख़त्म करके आ गया हूँ बेड पे अब सोने। सो हमारा दिन ऐसा ही होता है, रूटीन हमारा ऐसा ही, फिर से वही कल सुबह सेम वही सेम रूटीन रहेगा। तो ओके, तो अभी थोड़ी देर बस वीडियो देखना है, सॉन्ग सब देखेंगे, क्योंकि कभी अभी नेट नहीं चल रहा है पे, जो नेट के बारे में सेटेलाइट नेट होता है तो वो कभी कभी नहीं चलता, कोस्टल में रहता है तो नहीं चलता, कभी कभी ऐसे भी कुछ सेटेलाइट एरर रहते हैं तो नहीं चलते हैं नेट, अभी इंटरनेट नहीं चल रहा है, डाउन चल रहा है, सर्वर डाउन चल रहा है बेसिकली। तो जब नेट नहीं चलता है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, फिर ऐसे ही वीडियो वीडियो मोबाइल चलाता हूँ कुछ करके सो जाता हूँ, अभी थोड़ी देर चलाऊँगा, आधे घंटे फिर मैं सो जाऊँगा। ओके, सो गुड नाइट एवरी वन, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट ब्लॉग, एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।